हिमाचल के ज्वाली इलाके में पीलिया धीरे धीरे एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। रोजाना पीलिया के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ज्वाली में एक भयंकर स्थिति बन सकती है। ज्वाली अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पीलिया के मरीजों की संख्या 27 थी। रात को 13 मरीज आए तथा सोमवार को 9 मरीज पीलियो के पहुंचे। अभी मरीजों की संख्या कुल 49 हो गई है। ये पीलिया रोग किस कारण फैल रहा है, इसका अभी तक कोई ठोस कारण नहीं पता लग पाया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग व आईपीएस विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। आईपीएस विभाग हर जगह से पानी के सैंपल ले रहा है, परंतु सभी टेस्ट ठीक आए हैं। निकासी पाइपों को भी चेक किया गया है, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। आईपीएस विभाग ने अपने ओवरहेड टैंकों में पानी में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा भी बढ़ा दी है, लेकिन मामले फिर भी थम नहीं रहे हैं। इस पर बीमारी के अचानक फैलने से लोग डरे हुए हैं और लोग नलके का पानी पीने को मच से भी डर रहे हैं। एसएमओ ज्वाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि पीलिया के मरीज की संख्या 49 पहुंच गई है, दिनों दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से निपटने के लिए एक टीम गठित की है, जिसने घर घर जाकर पीलिया से पीड़ित मरीजों को ट्रेस कर रही है और उनका घर द्वार इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीलिया से लोग घबराए नहीं, बल्कि सावधानियां बरते और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखे। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। ज्वाली स्टेशन के पास। अच्छा, क्या समस्या है इनको? सर, इसको पहले 3 दिन पहले बुखार आ रहा था इसको, फिर बुखार का थोड़ा फर्क पड़ा तो अब मैंने टेस्ट करवाया इसको। मैंने सोचा दोबारा तो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, इसकी दवाई ले लेते हैं, तो फिर टेस्ट करवाया तो उसको फिर पीलिया निकला, तो अभी फिर सुबह से एडमिट है यहाँ पे। अच्छा जी। अभी तक हमारे पास पीलिया के तकरीबन 40 मरीज आए हैं, आज 9 नए और मरीज भी आए हैं, तो टोटल अभी 49 हो गए हैं पीलिया के मरीज। तो इसमें ज्वाली ज्वाली के ही तकरीबन 27 हैं और बाकी जो है वो आसपास के गांव के हैं, जैसे कि ये कैरियाँ का है, चलवाड़ा का है, समखेड़ के हैं, मतलाड़ के हैं, जैसर के हैं, पातन के हैं, है ना। इतने तकरीबन अभी तक 49 हो गए हैं, जिनमें से थोड़ी क्लस्टरिंग हमें ज्वाली में ही मिली है। वार्ड नंबर 6 में 15 पेशेंट हैं, वार्ड नंबर 7 में 8 पेशेंट हैं, तो एक वार्ड नंबर 8 में भी है। ये हैं हमारे ज्वाली के इतने पेशेंट्स। तो सर, इसमें कुछ पता लगा भी कि ये जो बीमारी है कैसे फैल रही है? तो प्रिलिमिनरी तो एक्चुअली इसका जो ट्रांसमिशन रूट होता है वो फीको ओरली होता है, दूषित खाना या दूषित पानी से ये बीमारी फैल सकती है। तो अभी तक हमारे पास एक ही बच्चे की रिपोर्ट आई है, तो उसमें हेपेटाइटिस ए आया है, और जो पैटर्न है इन्फेक्शन का वो भी हेपेटाइटिस ए को ही फेवर कर रहा है, क्योंकि यंग बच्चे ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। 21 साल तक के मैक्सिमम जो बच्चे हैं 21 साल के ही हैं, और एक ही है जो 21 प्लस है इन इतने 49 लोगों में से। तो फैलने का तो दूषित खाना या दूषित पानी ही बोल सकते हैं हम, या किसी के घर के आसपास पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, जैसे कि नाली, सीवेज या सेप्टिक टैंक पीने के पानी से मिक्स हो रहा है, या कोई घर में पीलिया का रोगी हो और वही बिना हाथ धोए खाना कुक कर रहा है, और बाकी लोग भी अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे हैं, तो इसमें प्रिकॉशन तो हमें यही लेनी है कि जो हम पानी पी रहे हैं उसको रोलिंग बॉयल करें 1-3 मिनट के लिए, उसके बाद उसको ठंडा करके रेफ्रिजरेट करके आराम से अपना कंज्यूम करें। दूसरा, खाना जो है वो सफाई से बनाएं, हैंड वॉश अच्छे से करें, कच्ची फल सब्जी अभी ना खाएं कुछ टाइम, जब तक ये जॉन्डिस का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.